उसका 12th फेल को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी ऑब्स्टिकल्स भी आज सुनूंगा। भूलो ना, हाँ भूलो ना, भूलो ना और रीस्टार्ट में दोनों में मुझे लगता है कि आपने प्रेशर डल के करवाया है उनसे काम। ये लाइन आया था जब मैंने मनोज का ये स्ट्रगल देखा था, श्रद्धा का जो एक अमेजिंग सपोर्ट था उसमें। श्रद्धा शंकर को भी वोकल्स के लिए चूज किया, एक बड़ा रिस्क भी था। लग रहा हूँ मनोज में मैं बीच में जा रहा हूँ तो जाने आने चराने नहीं। आईआईटीज और आईआईएम्स को लेकर बड़ी लड़ाइयां रहती। हमको बचपन से ड्रिल किया गया है हमको आईआईटी में कैसे घुसना है, किंतु घुसने के बाद क्या करना है किसी ने बताया हमको। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow once again. There are more stories of failures that often make up these giant successes. भुला दूं कुछ गलतियां उनकी, कुछ खुद भी सुधर जाऊं, आ जाए थोड़ा अदब मुझमें, मैं भी लखनऊ हो जाऊं। विद द ट्रैपिंग्स ऑफ अ यंग बंगाली फैमिली दोज डेज इन मकबूलगंज इन उत्तर प्रदेश, दिस मैन विद अ डिग्री इन इकोनॉमिक्स हैज ऑल्सो फॉट मेनी एन ऑब्स्टिकल टू रीच वेयर ही इज। टिल अबाउट 30 ईयर्स ऑफ एज ही स्पेंट डेज इन द नेशनल कैपिटल फाइंडिंग हिज मूरिंग्स टू ब्रिंगिंग अस द जॉनर ऑफ म्यूजिक व्हिच हैज बिकम एन एम्बलम इन दिस कंट्री। From PK to Three Idiots, from Parinita to 12th Fail, from Lagera Munna Bhai, he continues to bring laurels for this country with his compositions. He is none other than Shantanu Moitra joining us on this day of Catch the Stars. Welcome to the show, Mr. Moitra. आज मैं आपको उस हैसियत से समझना चाहता हूँ कि ये कौन सा शांतनु मोइत्रा है जिसने लखनऊ से उठ के दिल्ली के नवाबों तक को जीत लिया और वहां से उठ के उस देशबंधु कॉलेज से पढ़ के बंबई की मैं कहूंगा उस नगरी में आके अपना मकाम हासिल करके दिखा दिया जहां पे कोई भी दिग्गज बिना ऑब्स्टिकल्स के नहीं लड़ता। 12th फेल को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी ऑब्स्टिकल्स भी आज सुनूंगा और किस फेलियर और पास को आप करते हुए क्लियर करते हुए आए। ओवर टू यू सर। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे। मैं देखता हूँ आपके शोज बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होते हैं right. और बड़े इंस्पिरेशनल आपके गेस्ट होते हैं right. मुझे लगता है कि कोई भी प्रोफेशन हो, आप जर्नलिस्ट हैं जी, मैं संगीतकार हूँ, बट वी आर ऑल सर्चिंग राइट। एंड आई थिंक कि वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसीलिए तो एक स्कूल कॉलेज का जो आइडियलिज्म था कि यार कुछ करेंगे का ये नहीं मतलब था कि बहुत पैसे कमाएंगे, बड़ा घर होगा, पानी होगा, नहीं। विल मेक अ डिफरेंस राइट। एंड आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट राइट दैट कहीं हमने वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कॉन्स्टेंटली निरंतर एक कोशिश है कि डिफरेंस किया जाए राइट इसका मूल आधार यहां से शुरू होता है कि पता नहीं क्यों बचपन से ही मेरे पिताजी का मेरा बहुत इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर राइट। ही वॉज अ म्यूजिशियन एंड अ साइंटिस्ट राइट। सरोद प्लेयर थे, बनारस के थे right. सरोदिया फैमिली के थे। बहुत गुर्बत देखी है बहुत तो उनका ये मानना था कि मैं संगीत को प्रोफेशन ना लूं ठीक है पर संगीत को हॉबी लूं राइट right. इसीलिए जो हर मिडिल क्लास फैमिली करता है पढ़ाई लिखाई और ही वॉज ऑलवेज ओपन टू आप कुछ भी करें बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि खास ऑप्शंस नहीं थे बिकॉज ऑफ आवर इकोनॉमिक सिचुएशन। एक ही यू वर द ओनली चाइल्ड ऑफ आई वाज द ओनली चाइल्ड। ओ यू डोंट हैव एनी ब्रदर और सिस्टर? नहीं नहीं। ओ दैट्स लाइक मी आई मीन आई डोंट हैव। बहुत बड़े सारे कॉमन फैक्टर्स। बट लेकिन शांतु जी मुझे लगता है कि हम लोग जो ओनली चाइल्ड सिंड्रोम से गुजरते हैं या तो हम बड़े पैम्पर्ड बच्चे बन जाते हैं क्योंकि लव को डिवाइड नहीं करना पड़ता या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो आप पे वो क्या गुजर रहा था? मुझे लगता है कि पैम्पर्ड हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी पैम्पर्ड होने के लिए आर्थिक सिचुएशन नहीं था तो आई थिंक इट वॉज वेरी क्विकली रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई मस्ट डू समथिंग। बट वेरी इंटरेस्टिंग एज आई टेल यू द स्टोरी यू अंडरस्टैंड जी रिस्पॉन्सिबिलिटी था पर एक सेंस ऑफ फ्रीडम भी था। मेरा जो भी संगीत जो मैंने भी सुना है वो है मेरे पिताजी का सरोद जब वो रियाज करते थे जी या जब मैं बनारस जाता था गर्मी की छुट्टियों में लखनऊ बनारस में तब उनके परिवार के लोग बैठते सुनते थे। तो कहीं मैं बिलीव करता हूं कि बचपन से इनडायरेक्टली मैंने ये राग रागिनी का एक
खेल सुना है मैंने, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस मेरी जिंदगी में ऑल इंडिया रेडियो। अच्छा, वो जो रेडियो सुबह बजता था रात को ही रुकता था और हर एक घंटे के बाद अलग अलग जॉनर सुनाई देते थे। मैं जब, मेरे को याद है, मैं जब स्कूल जाता था तो सुबह सुबह सोच ली करीब 7:30 बजे तो फिल्म के गाने आते थे। मैं जब स्कूल से वापस आता था 2:30, मेरे को भी याद है कि राग बेस्ड फिल्म के गाने आते थे, ठीक है। 4 बजे साउथ इंडियन हिट आते थे, तब पहली बार मैं इलैयाराजा सुना था बचपन से। 6 बजे न्यूज पिताजी के सुनते थे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। 8 बजे से अंग्रेजी इन द ग्रूव आता था, करेक्ट। हाँ, रात को जब मैं हम खाना खाते थे तो वो कभी टाइम टू डांस या फोर्सेस रिक्वेस्ट ही आता था, एब्सोल्युटली। और सोने के ठीक पहले प्योर क्लासिकल शुरू होता था, क्योंकि 10:30-11 बजे था। कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ एक्सपोजर आई वॉज गेटिंग। मैं इसलिए ये पॉइंट बता रहा हूं आपको कि आज के बच्चों को ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इनके पास बहुत ऑप्शन है, right। तो पहले से डिसाइड कर लेते कि यार मेरे को ये नहीं सुनना, ये नहीं सुनना, ये नहीं सुनना, मेरे को ये सुनना है। थैंक गॉड आई डिड नॉट हैव दैट ऑप्शन, राइट, बिकॉज एज अ कंपोजर नाउ मेरे हार्ड डिस्क में पूरा भरपूर है ये तरह तरह के संगीत, right। इसलिए मैं कभी मुनावई कर सकता हूँ, कभी मैं 3 इडियट्स कर सकता हूँ, और कभी मैं 12th फेल कर सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं 12th फेल की बात करूं, इसका शांतनु जी जो कंपोजिशन है ना, बड़ा ही सहमा हुआ व्यक्ति का भी है। जब एक लड़की सक्सेस के बावजूद में भी सहन नहीं सकती है, इस बात को सहन नहीं कर पाती है कि उसका जो बिलवेड है वो बार बार फेल हो रहा है, तो उसके मन में भी जो थॉट्स है ना क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, एंड दोज थॉट्स विच आर क्रिस क्रॉसिंग इन हर माइंड। तो जब बैकग्राउंड स्कोर आता है, मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ, वो आपसे सुनना भी चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि आपके मन में क्या गुजर रहा था जब आप वो बैकग्राउंड स्कोर बनाए थे। हाँ, मेरा एक शायद रिटर्न या अनरिटर्न एक ख्वाहिश होती है जी, कि मैं अगर उस फिल्म में संगीत दे रहा हूँ तो मैं उस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी दूंगा। इत्तेफाक से वो नेशनल अवार्ड मुझे बैकग्राउंड स्कोर भी मिला है, बिल्कुल ही मिला है। बिल्कुल, ये फिल्म का एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ। मैं कभी भी मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, ठीक है, पर मैं स्क्रिप्ट को जकड़ के नहीं बैठता, मैं जो बना रहा है उसको जकड़ के बैठता हूं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कमाल का स्क्रिप्ट होता है, राइट, फिर जब बनता है तो बिल्कुल आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो मेरे लिए, मैं बहुत जल्दी समझ चुका था कि इंसान जो बनाने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे दोस्ती बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये दोस्ती करने में टाइम लगता है, इसलिए मैं शायद थोड़ा कम फिल्म करता हूं, राइट। साल में एक होता है, बिल्कुल, दो होता है। इट इज नॉट माई स्टोरी, इट्स ही स्टोरी। ये जो इम्पोर्टेंट चीज लेसन है, right, कि शांतनु मोहितर इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है, मनोज इम्पोर्टेंट है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो पार्ट था, मेरे को ये लाइन आया था जब मैंने मनोज का ये स्ट्रगल देखा था, और श्रद्धा का जो एक अमेजिंग सपोर्ट था उसके लिए, राइट, right। और पता नहीं कहां से ये शब्द आया, बोलो ना, हाँ बोलो ना, बोलो भी बोलो ना। तो ये लाइन आया जब, उसके बाद फिर वहां से हमने गाना बनाया। और मेरे साथ तो आपको, आप जानते ही हो कि मेरे सबसे प्रिय मित्र और सफर के साथ हमें स्वानंद के किरे हमेशा रहते थे, और वो स्वानंद का कमाल होता कि यार पहले ही बोलता कि सर ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा। मैंने क्यों नहीं होगा, नहीं सर नहीं होगा, अब मुझे फोर्स मत करो। तो मैं बहुत काम कर चुका हूं उनके साथ, मैं समझ चुका हूं उनका स्टाइल क्या चाहिए। लेकिन बोलो ना और रीस्टार्ट में दोनों में मुझे लगता है कि आपने प्रेशर डल के करवाया है उनसे काम। ये वो एक ट्यूनिंग है, तो मैं फिर बोलता हूँ कि मैं तू देख ले, तू टेक ए ब्रेक, फिर मैं कुछ कच करता हूँ, फिर वो कुछ देर के बाद आते हैं। नहीं, लेकिन स्वानंद का क्या ना, बचपन से शायद जी प्रेशर से उनको प्रॉब्लम है। नहीं, आप ये बताओ कि यार मेरे को ये अभी चाहिए, वो आदमी मेरे करने लिए, पर अगर आप उसको अगर ये बताओ कि स्वानंद देख ले, अगर तेरे को मन कर रहा है तो लिख, नहीं तो मत लिख जी, वो 10 मिनट आपको देगा।
लेकिन आपने मेधा शंकर को भी वोकल्स के लिए चूज किया, एक बड़ा रिस्क भी था, गैम्बल भी थी, और वो गाना इतना हिट हो गया बोलो ना का जो फिल्म वर्जन है वो बड़ा, उसका मैं श्रेय देता हूँ विधु विनोद चोपड़ा को जी। देखिए जब हमने गाना रिकॉर्ड किया था तो श्रेया घोषाल थी, बड़े समय का है, शी इज अमेजिंग एंड द सॉन्ग वाज ब्यूटीफुल। विधु विनोद चोपड़ा का इस फिल्म में एक अजीब एक चाहती मैं सब कुछ जितना रियल कर सकूं उतना बेटर है। तो आई थिंक वेरी अर्ली ऑन ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू लिपसिंक, ठीक है। तो मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर मेधा सपोज नहीं गाती, शी इज मे बी ए नॉन सिंगर राइट, तो ये गाना यूज होता ही नहीं। अच्छा, बट इंटरेस्टिंग पार्ट इज व्हेन विधु विनोद चोपड़ा वॉज कास्टिंग फॉर दिस कैरेक्टर, श्रद्धा का कैरेक्टर, राइट, ही वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर फ्रेश फेस हु कैन सिंग, तो वो उन्होंने कैलकुलेशन पहले कर रखा था, करेक्ट। फिर एक दिन विनोद और मेरा हमने बैठ को बात किया था, चाहता हूं आई वॉन्ट टू ट्राई हर विद हर वॉइस फॉर द फिल्म, एंड ये जो आप जो वर्जन सुनते हैं right. जब वो गाती है फिल्म में एक्चुअली right. सेट में लोकेशन साउंड है right. वो गाती है right. और नाउ आई नो वॉट ही वॉज लुकिंग फॉर, एक अजीब वल्नरेबिलिटी है राइट, इट्स नॉट अ सीजन सिंगर राइट, वो जो कैरेक्टर है कॉलेज में पढ़ती है वो सीजन सिंगर नहीं है right. वो थोड़ा सा कंकपस एक फीलिंग है थोड़ा अनश्योर है वो इज वॉट विधु विनोद चोपड़ा वांटेड, ये पूरा क्रेडिट उनको जाता है। पहली बारी होगा कि एक्ट्रेस से भी आप लोगों की दोस्ती होगी, मैं कुछ देख रहा था आप लोगों की तस्वीरें, आप और स्वानंद और मेधा साथ में इकट्ठे शायद मूवी के, स्वानंद हमारा सौ दिन ये परसों की बात होगी, आप लोग तीनों शायद खड़े हुए थे, तो बड़ा कम होता है कि म्यूजिक नहीं, रेयर वो है कि उसके साथ रियल कैरेक्टर्स भी थे, डॉक्टर मनोज श्रद्धा जी एब्सोल्युटली बोथ ऑल्सो वर देयर, तो दैट इज वेरी रेयर राइट, कि आपके पास द एक्टर इज देयर राइट एंड जिसको जिस किरदार पर उन्होंने प्ले किया था ओरिजिनल वो भी है राइट, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी फॉर्चुनेट। कहीं पे मेरा स्कूल, कहीं पे मेरा कॉलेज, कहीं पे दिल्ली, कहीं पे दिल्ली का वो माहौल राइट हर बार मुझे अट्रैक्ट करता है ऐसे स्क्रिप्ट में राइट, जहां पे एक द सेंट्रल स्पाइन इज अबाउट ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, करेक्ट, एब्सोल्युटली। और ये बात मुझे आपसे बात करके मेरे को जहन में आया right. कि मैं क्यों अट्रैक्ट होता हूं, कहीं पे मुझे लगता है कि अगर वो नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा, बिल्कुल। आप जर्नलिस्ट हैं जी, यू हैव डन सो अमेजिंग थिंग, यू हैव डन सो मेनी इन्वेस्टिगेटिव स्टफ, क्यों yeah. करते हैं आप जी? क्योंकि कहीं पे आपके सेंट्रल सिस्टम में एक ये है कि भैया अगर ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की बात में जाए तो बाकी क्या है, क्या रह जाते हैं, एब्सोल्युटली। तो आई थिंक इट्स इन मेनी वेज कॉम्प्लिकेटेड, मेनी वेज वेरी सिंपल, बिल्कुल, एंड दिस इज हाउ आई चूज स्क्रिप्ट्स, एब्सोल्युटली। लेकिन अगर मैं उससे पहले की फिल्मों का जिक्र करूं, क्योंकि क्यूरियोसिटी मेरे मन में ये बार बार आती है कि जब हम थ्री इडियट्स कर रहे थे और परिणीता कर रहे थे, परिणीता एक बड़ी सोलफुल मेलोडीज है, थ्री इडियट्स में आपने बीच में के बड़ा जिंक फैक्टर्स भी दिए, जूबी डूबी आई या जाने नहीं देंगे, और ऑफ कोर्स ऑल इज वेल। स्वर्ण ने मुझे बार बार बताया कि ऑल इज वेल बड़ी मल्टीपल बार भी लिखा गया, और ये आप लोगों की फितरत में आ चुका है कि जब तक आप लोग 50-100 बारी लिख के फाड़ते नहीं है और राजू उनको बार बार चेक नहीं करते, उसको भी संभालते हैं, आप लोग चेंज नहीं करते, उससे आप लोग सुधर नहीं रहे हैं उस हरकत से जो आ गई आपके, करेक्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं थ्री इडियट्स की, इस वाले गीत की, जाने नहीं देंगे तुझे, मैं सोनू निगम जी का एक बड़ा एक अमेजिंग चीज बताना चाहता हूं, ठीक है, कि मेरे को भी याद है सोनू, आई थिंक ही केम इन द इवनिंग टू सिंग द सॉन्ग, एंड उसके पहले उन्होंने शायद ही हैड डन टू रिकॉर्डिंग इन द मॉर्निंग, इसी फिल्म की नहीं बाकी, अच्छा, करके आए थे, वैसे ही बैठे चाय वाय पी रहे थे, शाम तुम ट्रैक ले रहा हूँ, राजू भी बैठा था, वो सीन समझाया क्या हो रहा है क्या नहीं, अच्छा, तो केमिस्ट्री अच्छी होगी, वो भी दिल्ली से ही है, हाँ वो है, आई एम अ बिग फैन ऑफ सोनू जी। तो फिर ट्रैक बजाया, ट्रैक में कई बार डमी मैं गाता हूँ, तो सोनू ने सुना, बिल्कुल चुप हो गए, और कहते मैं कोशिश करता हूँ, तो वो गए अंदर में डबिंग रूम में, स्टैंड रखा, I saw him very disturbed. Otherwise, he's very focused. So I'm very disturbed. Then he called me inside. He said, Chandra, he said, "Main gana agar aaj nahi gaun to chalega."
पड़ेगा। बिल्कुल सिटीज के लिए मैं आई वॉन्ट अ डिफरेंट प्रिपरेशन, और मैं उस दिन मैं आई डोंट वांट टू सिंग एनी अदर सॉन्ग। तो कल इसी टाइम मिलते हैं, ठीक है, जरूर चले जाते हैं शाम को। गुड पार्ट इज विद राजू एंड ऑल दैट ना, ये वो नहीं है कि यार नहीं तुम आयो आज ही करो सब कुछ, नहीं, बी कंफर्टेबल, अगले दिन मिले। और ये मेरे जहन में बिल्कुल गथा हुआ है। वो आए, उस दिन कुछ बात और नहीं किया, अंदर गए, एक सूटकेस हमेशा कैरी करते हैं। मैंने उनके साथ कई गाने किए, मैंने कभी वो सूटकेस के अंदर झांकने का मुझे क्यूरियोसिटी भी नहीं थी, मैंने कभी देखा भी नहीं। पर उस दिन ही सेड यू स्टैंड विद मी फॉर 5 मिनट्स, राइट, उस सूटकेस को। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के गायक गायिकाओं के लिए, कि उन्होंने मुझे परिचय करवाया उस सूटकेस में कुछ चीजों के साथ। वो पहला ट्रेन का टिकट जो लेके वो दिल्ली से बंबई आए थे, वो पहला रफी साहब का कॉन्सर्ट का टिकट जो उन्होंने खरीदा था रफी साहब का प्रोग्राम देखने के लिए, ऑफ कोर्स माँ का फोटोग्राफ, ये सारे बचपन के मेमोरीज, उनका पहला स्टेज परफॉर्मेंस, उसका एक कुछ मेमोरेबिलिया। दिस सूटकेस वॉज फुल ऑफ हिज मेमोरेबिलिया, राइट, जो किस कंडीशन से वो आए होंगे मैंने इनको पूछा नहीं, बट आई रियलाइज इट वॉज नॉट एन ईजी जर्नी। करेक्ट, वो बैग देखे मैं समझ गया था, मैं चुपचाप खड़ा हुआ था। एंड देन शांतनु तक लाइट ऑफ कर लेते मैं और माइक्रोफोन भी ऑन करते, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, ऐसे जस्ट लाइट ऑफ कर दिया, माइक्रोफोन ऑफ कर दिया। उन्होंने जो भी किया अब उन्होंने माइक्रोफोन इशारा किया ऑन कर दीजिए, और मैं लाइट ऑन करने जब आया उनकी आंखें बिल्कुल नम, राइट, एंड यू वोंट बिलीव दिस इज अ ट्रैक एल्बम, दिस इज अ वन टेक सॉन्ग, कहीं पे कोई बीच में कभी रुकना नहीं, रीटेक नहीं, कुछ नहीं, पहले लाइन से लास्ट लाइन तक सोनू निगम ने एक के बाद एक लाइन, दिस इज अ डैम टफ सॉन्ग। तो स्पिट्स बड़ी नीचे होती है, फिर ऊपर जाता है, रेंज मुझसे कहा, इसका हाई ऑर्डर जाता है, ना रे ना रे ना 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 ना, रोना है ये। एंड आई रिमेम्बर राजकुमार रहानी, मैं, सोनंद, विधु गुरु चोपड़ा, वी वर स्टंड बाय दिस परफॉर्म। ऑल्सो इसमें एक और गाना था थ्री इडियट्स में, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है बताना जी, वो है गिव मी सम सनशाइन। तो वो जो गिव मी सम सनशाइन, जो क्योंकि आपने उस गाने को तो शर्मन जोशी और सूरज से दोनों से गवाया ना, नहीं उसमें शर्मन जोशी बीच में का रेसिटेशन करते हैं, वो जो 99% वो शर्मन जोशी करते हैं और वो सूरज गाते हैं, सूरज गाते हैं, पर उसमें बहुत सारे आवाजें मेरे और सोनम की भी है कोरस में। बट मजे की बात है कि ये एक्चुअली मेरे डमी वर्ड्स थे, कि मुझे लगा था कि बाद में हिंदी में सोनम कुछ लिख देगा, तो गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी, ऐसे ही रिफर था। बट विद्युत चोपड़ा ने कहा कि ये इसको ऐसे ही रखो, इसको तुम स्मार्ट मत बनो, क्योंकि हम कॉलेज में हम ऐसे ही सिंपल लिखते हैं यार, तो उसको लेट अस कीप दिस कॉलेज फील। आपको अपने कॉलेज की भी याद आई? हाँ, तो कॉलेज की ये इसलिए याद आई, वो थ्री इडियट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, क्योंकि सच में ना वो जो एक लाइफ का एक पैगाम पहुंचता है, जब आप बहुत काम करते हैं, यू डू नॉट, आप भूल जाते हैं टू बी इन कनेक्शन विद दीज कॉलेज फ्रेंड्स। एंड मुझे ये रियलाइज हुआ ये गाना करने के बाद, ये गाना जोड़ेगा लोगों को, और यही हुआ जब भी पिक्चर निकल गई। यू वोंट बिलीव इट हाउ मेनी फेसबुक ग्रुप्स परफॉर्म्ड सेइंग कि यार लेट्स मीट फॉर रियूनियन, इस कॉलेज रियूनियन करते हैं, और रियूनियन में जब सब मिलते हैं खाना पीने के बाद सब गाते हैं गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस, आई वांट टू ग्रो अप वंस अगेन। तो पूरा किसने लिखा था? सोनंद। आपने शुरू के डमी वर्ड दे दिए, डमी वर्ड दे दिए, फिर बाकी सारी उम्र हम मरमर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो जी। तो ये जो लाइंस थे, अगेन मैं बताना चाहता हूँ, ये आए हैं वो स्क्रिप्ट से, आए हैं वो कैरेक्टर से। रणछोड़दास छाजड़ कमाल का एक कैरेक्टर है, और हमने अपने सबके जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा मिला होगा
बाद में पता चलता है कि रणछोड़दास फनसुख वांगडू है। करेक्ट। तो ये भी वो दर्शाता है कि आप जिंदगी में कितनी बैटल जो होती हैं अपनी लड़ते चले जाते हैं, लेकिन आपकी आइडेंटिटी बाद में जाके पता चलती है कि ये वो है। सुन सकता हूँ ये भी सम सनशाइन या जाने नहीं देंगे तुझे? जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने नहीं देंगे तुझे। सारी उम्र हम मरमर के चिड़िए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मरमर के चिड़िए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ला ना 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 Nara 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 nara, give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. शांति जी, इनफैक्ट इसी से रिलेटेड एक सवाल जुड़ा है जो कई बार आता है। लोग कहते हैं कि IITs और IIMs को लेकर बड़ी लड़ाइयां रहती हैं कि वहां पे घुस जाए और तो वही आपकी जिंदगी बनाता है। आप तो देशबंधु से गए, आपने फिर भी मकाम हासिल कर लिया। हम तो सीफन से गए, हमने वहां से फिर मकाम हासिल करके दिखा दिया। तो कितने सारे नौजवान लड़के आते हैं जो अपनी जो कला है वो दर्शाते हैं अपनी पैशन के थ्रू, लेकिन जरूरी नहीं है कि एवरीबडी कैन मेक इट टू ओनली द एम्स और द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस। सो व्हाई इज इट दैट इंडिया नीड्स टू चेंज इट्स सिस्टम and such movies need to sort of also shed light on the way that India should find its talent, whether it is in the hinterlands or in the urban cities. मैं आपको बहुत 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 उम्दा आपने एक मसला उठाया जी, इसका मैं इसके ऊपर जो टिप्पणी देने वाला हूँ मैं एक इंसिडेंट से देने वाला हूँ। राइट। मैं एक IIT पे गया था, मुझे आमंत्रण किया गया था इस मूवी के बाद। ओवरऑल इन लाइफ में बिकॉज मेरा a lot of my adventure is inspirational, so they had called me to do a TED talk. ठीक है। तो मैं, in fact I remember IIT खड़गपुर वहाँ पे गया था। ठीक है। तो मैंने टॉक के बाद कहीं पे टॉक का यही यही था मुद्दा रिस्टार्ट। फिर एक क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ, सोच लिए हॉल में कम से कम 200-250 IIT के स्टूडेंट्स, तो आप समझ ही सकते हैं कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि ये हमारे देश के सबसे ब्राइटेस्ट हैं, राइट? ये क्वेश्चन शुरू हुआ। पहले मैंने बोला कि सर मैं 4 लाइन कविता लिखी मैंने, आप सुन के बताइए कैसा है। तो सुनाने बहुत अच्छा है। किसने बताया कि मैंने एक गाने का धुन दिया है। एक भी क्वेश्चन वॉज नॉट अबाउट एनीथिंग नॉन टेक्निकल, ऑल क्रिएटिव क्वेश्चन। 15-20 क्वेश्चन के बाद मैंने पूछा सबको, मैंने चीज बताओ तुम लोग IIT के स्टूडेंट हो, तुम मुझे कविता संगीत ये प्रश्न पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहे हो क्या क्योंकि मैं संगीतकार दिख रहा हूं? तो जवाब जो दिया ना, आई स्टिल नॉट फॉरगेट इट। राइट। जवाब यह था कि सर हमको बचपन से ड्रिल किया गया है और सिखाया गया है कि हमको IIT में कैसे घुसना है, किंतु घुसने के बाद क्या करना है किसी ने बताया हमको? कैन यू बिलीव दिस? दे एंटर्ड IIT एंड दे लॉस्ट। करेक्ट। माय ओनली अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट लाइफ एंड द जर्नी, स्पेशली बिकॉज आई हैव वॉक दिस जर्नी, कि अच्छे संस्थाओं में अच्छे प्रवचन मिलने का एक गुंजाइश हो सकता है, गारंटी नहीं है, मिल सकता है, पर सफर आपको तय करना है। राइट। और मेरे लिए सबसे बड़ा कॉलेज यूनिवर्सिटी
इज योर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग. अब जब दिल्ली के डीडीसी बस में जाते हैं आप ऑब्जर्व करें क्या कर रहा है. जब आप स्टेशन में बैठते हैं, जब गाड़ी में बैठते हैं, वो राइट फ्रॉम कौन सा आदमी अभी रुमाल रखने वाला है सीट बुक करने के लिए, या कौन सा आदमी अपने खाने को शेयर करने वाला है, या कौन सा आदमी चुपके से कुछ करने वाला है ताकि किसी शेयर ना करे. ये सारी चीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ. राइट. सो समटाइम्स इन दिस डिग्रीज एंड बिग थिंग्स वी फॉरगेट दैट अल्टीमेटली व्हाट विल यू मेक इज दिस. राइट. कि अगर आप में फॉर एग्जाम्पल एज अ जर्नलिस्ट ये काबिलियत नहीं है कि आप जहां पे आप खबर लेने जा रहे हैं वहां पे आप बिल्कुल अदृश्य हो जाए, इनविजिबल हो जाए जी, तो आपका तथा कल काम होगा ही नहीं. एब्सोल्युटली. यू हैव टू बिकम इनविजिबल. करेक्ट. द एबिलिटी टू बिकम इनविजिबल इज द बिगेस्ट लेसन इन लाइफ. एंड आई ऑलवेज फील इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर फॉर द पेरेंट्स टीच योर चिल्ड्रन टू लर्न फ्रॉम एवरीबडी. राइट. इवन फ्रॉम योर ड्राइवर. राइट. इवन जो आपको रोटी परोस रहा है उससे सीखिए. करेक्ट. सबसे सीखिए तभी आदमी जाके कंप्लीट बनेगा. राइट. I believe that your parents were also very cautious of the fact that they wanted you to have a good education as well. True. Which is why to go to Springdale School, where it's very difficult to secure admission. I get curious to know ki kitna ek aapko naaz bhi hota hai apne us alma mater pe, chahe aap deshbandhu to kahe, wo daur kaisa tha ki education pe bhi jo thrust tha. Main bahut khush hu ki aap mujhe ye apne ye prashn pucha hai. Kai log ye wala skip kar jate hain kyunki mujhe lagta hai mera jo adarsh lagna मेरा स्कूल में बना उसका एक बड़ा स्पेसिफिक कारण है. थी उनकी प्रिंसिपल. प्रिंसिपल का नाम था मिसेज रजनी कुमार. शी वॉज अ कनेडियन प्रिंसिपल हु वॉज मैरिड टू अ पंजाबी डॉक्टर. राइट. एंड शी हैड कम. शी वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट. शी वॉज वेरी क्लोज टू इंदिरा गांधी दैट टाइम. जी. तो उन्होंने ही एक्चुअली इंस्पायर किया था हमारे प्रिंसिपल को कि आप एजुकेशन लेके कुछ करिए. एंड दैट वाज द बर्थ ऑफ द स्कूल. जी. पर मेरे साथ जो ताल्लुकात ये हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो हमारे स्कूल में एकेडमिक सबसे इम्पोर्टेंट था और संगीत जो उस समय होता था. ठीक है. और लिबरल आर्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था आजकल जो होते हैं. सेकेंडरी था. तो सुबह सुबह आपने तैयार होना जाने. और स्कूल में हमको मेरे को वेरियस जगह पे भेजते थे. कॉम्पिटिशन भेजते थे. कुछ यहाँ पे कुछ एम्बेसी हो रहा है. वी वर सोशली वेरी एक्टिव. अफ्रीका डे, रशियन डे, एम्बेसी में जाते थे. बिकॉज द प्रिंसिपल वॉज अ कैनेडियन एंड शी वॉज वेरी अवेयर हु हैड द विजन अबाउट द इंटरनेशनल कंट्रीज. तो मेरी माँ एक दिन भड़की और गई प्रिंसिपल से मिलने कि क्या हो रहा है कि मेरा बेटा कभी टाइम पे नहीं आता. जब भी पूछो बोल रहे आप यहाँ भेज रहे वहां भेज रहे. जाता भी नहीं जाता. नहीं नहीं. और उसके मार्क्स नहीं आ रहे. क्या हो रहा है? तो होगा कैसे? तो मेरी प्रिंसिपल ने उनको मेरे को भी याद है उनको बोला कि मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे. वी हैव बीन सेंडिंग यू एवरीवेयर. बट ऐसा मुझे क्यों लगता है बहुत सारे लड़के यहां पढ़ रहे हैं बट इसके अंदर एक गिफ्ट है जो सबके पास नहीं है. अच्छा. तो जिंदगी में शायद उसको अगर कभी रिकॉग्निशन मिले उसको इसके लिए मिलेगा. एंड शी सेड इट देन. लुक एट द आयरनी ऑफ दिस स्टोरी. I got the national award. तो national award में मैं अपने माँ को लेके गया. ठीक है. दिल्ली में. उस दिन जब बैठा हूं मैं सिटिंग देयर विज्ञान भवन में. तो एक उन्हीं अशर रहा है. उन्होंने बोला कि आपके अवार्ड के बाद एक महिला है जो आपसे मिलना चाहती है बट शी इज ऑन अ व्हील चेयर. शी कांट वॉक. सो वंस यू गेट डाउन फ्रॉम द स्टेज यू प्लीज मीट हर. तो मैं गया. मैंने अवार्ड लिया राष्ट्रपति जी से. मैं उतर रहा हूं. मैंने कॉर्नर ऑफ द आई आई सॉ दैट लेडी ऑन द व्हील चेयर एंड आई इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड एज माय प्रिंसिपल. सो शी हर्ड दैट आई एम गेटिंग द नेशनल अवार्ड. शी केम. शी हर्सेल्फ इज अ पद्मश्री. सो शी केम देयर एंड शी वॉन्टेड टू मीट मी. सो आफ्टर जब हो गया तो मैं उनसे मिला. आई टच द फीट एंड हग्ड हर. शी फर्स्ट थिंग शी सेड इज योर मदर हियर. अच्छा मैं तो भूल चुका था. मैं कैन यू इमेजिन कितने साल पुरानी बात हो चुकी है. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैंने कहा माँ है. बोलो बुलाओ उनको. तो माँ आई. कि अब नाराजगी खत्म हुई? तो नहीं. तो माँ को बोलती है आपको याद है मैंने आपको क्या बताया था? तो माँ तो भूल चुकी थी. कहती आपने मुझे कहा था कि हम क्या कर रहे हैं उसके साथ. देखिए आज आपका लड़का नेशनल अवार्ड ले रहा है प्रेसिडेंट से.
मुझे लगता है हर हर इंसान की जिंदगी में ना ऐसा अगर एक टीचर मिल जाए जो नॉर्मल जो चीज को तोड़ के अगर आप में एक प्रतिभा देखे और उसको पुश करे तब ये जर्नी मुमकिन है, नहीं तो इट्स अ स्ट्रगल. शी पास्ड अवे ग्रैंड ओल्ड, आई थिंक शी वाज 95 94 95 years old. मेरे जिस साल में मैं था, I left school at the year 85. Right. 85 was the first time that the school started a music award. And the first recipient was me. She realized कि यार मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैंने म्यूजिक का अवार्ड नहीं दिया. साइंस का होता है, स्पोर्ट्स का होता है, म्यूजिक क्यों नहीं होता. She started like that. And when we move on to the next part, that is the Deshbandhu College Day, what is the pleasant or unpleasant memories that you have of those days that also built and shaped your career as well? I think classroom तो कभी देखा ही नहीं, कैंटीन तक ही पहुंच के अटक गए थे. पर एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा था, ये हो रहा था देयर वाज अ कॉल्ड्रन ऑफ पॉलिटिक्स अराउंड मी. SFI था, तरह तरह के मोर्चे होते थे, तरह तरह के मंडल कमीशन के समय आवर कॉलेज वाज वेरी वेरी एक्टिव. करेक्ट. आई वाज indirectly socially aware as to what's happening. Right. कि कोई अगर गलत हो तो आवाज उठा जाए. Correct. तो मुझे लगता है कि ये बड़ा बड़ा एक important event था मेरे life में. Correct. Where that you are part of a change. Right. You cannot be away from a situation saying कि यार ये मेरा problem नहीं है. And I think Deshbandhu College made me aware of that. And मेरे इसलिए संगीत में ना आपको हमेशा एक ये सोशल एंगल मिलेगा आपको. ये इट इज नॉट आई ट्राई, इट इज देयर इन द DNA. राइट. कहीं पे एक रिबेल हूं मैं, कहीं पे मैं एक, और इसलिए मैं स्क्रिप्ट भी ऐसी चूज करता हूँ. अंडरडॉग वाली स्क्रिप्ट आई लव. बिल्कुल. एंड माय स्टोरी ऑफ माय लाइफ इज ऑल्सो ऑल्सो दैट कि हर बार मुझे बताया गया कि ये मुमकिन नहीं है, मुझे उसमें मुझे नॉर्मल से बड़ा बोरिंग लगता है. और इसीलिए आपकी तरफ खिंचा हुआ चलता हुआ आ गया, क्योंकि परिणीता और लगे रहो मुन्ना भाई और बीके और थ्री इडियट्स ने मेरे खुद के करियर्स को बड़ा शेप किया. तो जब लगे रहो मुन्ना भाई और ऐसी गीत आपने लिखे, मैं आपको बता दूं, बंदे में था दम, और उसके बाद जब हायरे हाय जब आया उसने मेरे कॉन्फिडेंस को लिफ्ट भी किया. तो जब आप वजीर के गीत लिख रहे थे उस दौर पर भी आना चाहूंगा आपसे, तो कितना एक मुश्किल होता है, क्योंकि एक्ट्रेस जो थे बड़े जबरदस्त फनकार थे, एक नई एक्ट्रेस थी, उसने फिल्में हिट नहीं करी थी, लेकिन उसके ऊपर दूल्हे का सहरा डाला हुआ है. और फिर कहा जा रहा है लिरिक्स बड़े जबरदस्त तेरे बिन, बार बार जब तेरे बिन पे ही हम एक लूप पे लेके चल रहे हैं. हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर अ म्यूजिक कंपोजर इवन फॉर यू टू यूज द कॉर्ड्स एट दैट टाइम एंड यूज तेरे बिन इन डिफरेंट एक्सटेंशंस. एक्चुअली क्या होता ना, ये किसी को नहीं पता कि हमको पता है गायक गायिका कौन है. बिल्कुल. उनको पता है कि एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो बांसुरी बजाता है या गिटार बजाता है या तबला बजाता है वो कौन है. ये कौन भला कंपोजर है हमको अभी तक नहीं पता. करेक्ट. ये होता क्या है. मैं आपको से बताऊं कि ये प्रोसेस वर्ल्ड वाइड वी हैव जस्ट बिगन टू अंडरस्टैंड. ऑलमोस्ट एंटायरली इट्स अ गॉड्स गिफ्ट. करेक्ट. बाकी चीजें आप रियाज करके सीख सकते हैं, कंपोजिशन आप रियाज करके नहीं सीख सकते. आइदर आप में है या तो नहीं है. बिल्कुल. नंबर वन. बिल्कुल. बट सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है उसको प्रोटेक्ट करना. कि और देखिए ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको मैं. ये दिस फॉर मी. आइडियोलॉजी के साथ कॉम्पोजिशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है. कि अगर ये भगवान का देन है, वो देन तभी रिएक्ट करता है जब आप आर द ट्रूएस्ट टू हिम. राइट. हर बार मैंने कोई चीज किया है पैसे कमाने के लिए, वो बैकफायर किया है. और हर बार मैंने कोई चीज किया है कहने के लिए कि नहीं यार ये करना जरूरी है, ये कंटेंट इसका इंपॉर्टेंट है, एक कुछ कमाल हुआ है. सो एक्चुअली दिस गिफ्ट इज वेरी टेम्परमेंटल. इट कॉन्स्टेंटली टेस्ट यू. राइट. वजीर का ये जो तेरे बिन जो कैरेक्टर था, ये फरहान अख्तर का जी, एन ऑनेस्ट ऑफिसर. राइट. ओके. जो दोनों को जोड़ दे फ्रॉम अ व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू. राइट. जो इन लोगों का धुन बने, इन लोगों का संगीत बने, सो वॉट ही अलग अलग रहे. करेक्ट.
फिजिकली हो मेटाफिजिकली रहो बट समथिंग बाइंड्स देम दैट्स व्हाई दिस तेरे बिन तेरे बिना मरना नहीं जीना नहीं तेरे बिन ये स्वानंद का जीनियस है कि उसने डिसाइड किया था कि मैं इस गाने में कम से कम 25 बार बोलूंगा तेरे बिन। क्या बात है, क्योंकि यही जो बाकी सब कुछ भूल जान याद रहे ना रहे पर तेरे बिन मैं चाहूं कि इंसान के जहन में घुस जाए, बिकॉज यही है, दिस इज द जीनियस ऑफ स्वानंद की। दादा मेरे को हिटो शांतनु सर मेरे को ये रिपीट कर दीजिए आपके धुन में जितनी बार आए और बाकी भूल जाइए। एंड आई एम डीपली इंडेबटेड टू स्वानंद दैट बिकॉज यूजली एक गाने में इतने सारे बार रिपीट नहीं होता बट ये दिस इज हाउ इट इज। राइट, इनफैक्ट व्हेन आई मूव फ्रॉम तेरे बिन टू पीके एज वेल बिकॉज विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू आर ब्रेकिंग the mold, you were trying to get into the big banner films and you were persisting with the idea of producing scores which could dominate the scenes aur Aamir Khan ko bar bar leke aana ek taraf Saif Ali Khan ko leke aa rahe the to PK mein jab aap graduate karte hue gaye wazir se wo ek kitna important tha kyunki jab PK aayi to logon ko laga ki jo music hai na wo Aamir ne kyunki jab film ka poster aaya tha mujhe yaad hai तो आमिर ने ऑलरेडी वो चीजें डाली हुई थी जहां से इंडिकेशन हो रहा है कि भाई गाना एक कॉन्ट्रोवर्शियल ऑलमोस्ट एक न्यूडिश काइंड ऑफ पोस्टर था करेक्ट जिसके लिए गाना है नंगा मुंगा। आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था कि 3 इडियट्स के बाद था मेरे लिए, लेकिन उससे पहले आपने ऐसे लूज फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स को यूज नहीं किया था नंगा पुंगा ये नहीं, बट एक्चुअली क्या है ना कि जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है वो बड़ा क्यूट है, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा। बट पीके में एक गाना था और उस गाने के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मैं राजकुमार राणी स्वानंद बैठे थे एंड ही सेड शांतनु मेरे गाने में ना मैं इतना कुछ कॉमेडी करता हूँ ये करता हूँ लव सॉन्ग होते होते रह जाता है एंड राजू इज अ ह्यूज राज कपूर देवानंद ऋषि कपूर जी फैन की यार एक गाना चाहिए तो हमने बैठ के बड़े सारे गाने देखे और मैंने कहा राजू को सिर्फ बोला राजू मेरे लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पिक्चराइजेशन ऑफ अ लव सॉन्ग इस सिलसिला ठीक है दो लोग सिर्फ चल रहे हैं मिस्टर बच्चन और रिका जी दे जस्ट वॉकिंग ये कहां आ गए यूं ही साथ चलते चलते मैंने कहा देखिए अगर द केमिस्ट्री इज ग्रेट ना आपको खास कुछ करने की जरूरत नहीं है करेक्ट आई सेड आई एग्री विद यू राइट ऐसा गाना कोशिश करते हैं इस फिल्म में जहां पे खास कुछ नहीं होता राइट एज एन इट्स एन आइडिया ऑब्वियसली बहुत कुछ होगा बिकॉज राजू बिरयानी का फिल्म है यही था बुनियाद चार कदम राइट और वो जो कॉम्पोजिशन था बिन पूछे तेरा नाम और पता रस्मों को रख के परे चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे पप्पा रे रम पा रे हराई रे राई ररी हराई रे रा रे चल दो ना साथ मेरे। तो ये जो एक क्लासिक रोमांटिक एक ट्यून है राइट बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए करेक्ट दिस इज अ वेरी सो दिस इज अगेन राजकुमार इज जीनियस की ही सेड शांतनु जितना भी कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न आप दिखा दें करेक्ट आप देखिए पोशाक देखिए वो ब्रसल्स में शूट हुआ था ये था राइट अल्टीमेटली अ गर्ल वॉन्ट्स टू हियर दिस शी वॉन्ट्स टू हियर दिस एंड दैट इज अक्रॉस एनी डिकेड एब्सोल्युटली सो लेट अस कीप दिस सिंपल करेक्ट वो वहां से सो होता क्या व्हाट आई टेल यू इज दैट आई नेवर लुक एट द एक्टर राइट आई लुक एट द कैरेक्टर आई लुक एट द स्टोरी एंड आई हैव टोल्ड यू पहले कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टर
क्या बताना चाहता है, मैं एक फैसिलिटेटर हूं, दिस रोल ड्रामेटिकली रिवर्सेस व्हेन आई एम डूइंग माय ओन एल्बम. अगर मैं शोभा मुद्गल जी के साथ आपके सामने कर रहा हूं, उसमें मैं बादशाह हूं, तो उसमें मैं बता रहा हूं कि ऐसा करना चाहिए. मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है. व्हाट आई क्रिएट इज व्हाट आई क्रिएट, बट व्हेन आई एम डूइंग फिल्म्स आई हैव शांतनु मित्रा टू स्टेप अप बैक, आई एग्री, एंड मेक द कैरेक्टर मोर इंपॉर्टेंट. मैं समझ गया.